any introduction, so I'll just say, please start. Bismillahirrahmanirrahim. Asal mein kuch hukumatein hoti hain corrupt hoti hain, kuch nalayak hoti hain, kuch incompetent hoti hain. ये जो हुकूमत है इसमें तीनों क्वालिटीज मौजूद है. सबसे पहली बात यह है कि ये पहली बार हुकूमत में नहीं आई, ये चौथी बार हुकूमत में आए हैं. पाकिस्तान में कोई इतनी बार हुकूमत में नहीं आया. इन्होंने कब डेटाबेस बनाने की कोशिश की है, कब इन्होंने फोरकास्ट करने की कोशिश की, ये सारा झूठ है, ये फ्रेब है. टॉक शोज में आते हैं, झूठ बोलते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है. पाकिस्तान की टोटल व्हीट कंजम्पशन क्या है, 20 मिलियन टन. पाकिस्तान की ग्रोथ कितनी हुई इस बार व्हीट की, 22 मिलियन टन. कैसे डेफिशिएंसी हो गई है, किसकी करप्शन से, किसकी इनएफिशिएंसी से, स्मगल हुई है तो अवाम ने स्मगल की है, अवाम ईरान लेके गई है, अवाम अफगानिस्तान लेके गई है, अवाम ने इंडिया में यहां से बोरियां भिजवाई हैं. बॉर्डर पुलिसिंग किसका काम है, इनका काम है कि मेरा काम है. फोरकास्टिंग की बात करते हैं, 8 महीने पहले पूरे मीडिया ने फोरकास्ट करके दिया था कि चीनी पे यह बहरान होने वाला है. चीनी पे कुछ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, 78 शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में, 50 जो है उन लोगों की है जो किसी ना किसी फॉर्म में हुकूमत के अंदर है. बंद करें अपने बंदों को अंदर, इनके मेल ओनर्स हैं, इनके पार्टी के लोग हैं, इनके एमएनएज हैं, इनके सेनेटर्स हैं, इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं, क्यों वो दंदराते फिर रहे हैं. इनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि 40 रुपए का मिल रहा है कि 80 रुपए का मिल रहा है. आप जो अभी बात हुई थी, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि वीट की वजह से औरतें मर गई यहां पर, नाटका ने एक बात की थी. इस गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर, कोई एमएनए, कोई सेनेटर उन जनाजों पर गया, अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं है किसकी जिम्मेदारी है, इनको तो परवाह भी नहीं है यहां पर लोग मरते हैं कि जीते हैं. पिछले 60 साल में आप ये देखें किसी भी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर बेस्ड पॉलिसी क्या रही है, 70% आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. इन 1947 आपका 54% कंट्रीब्यूशन थी एग्रीकल्चर की टू नेशनल जीडीपी. इस साल क्या है, 22%. ये जो ड्रॉपेज है इसका कौन जिम्मेदार है, गवर्नमेंट को हम ब्लेम करते हैं पॉलिसी मेकिंग के ऊपर. हम गवर्नमेंट को छोटी छोटी चीजों पर नहीं करते कि यूटिलिटी स्टोर और फला स्टोर या बिस्मिल्ला स्टोर पर क्या है. आपने एग्रीकल्चर पॉलिसी दी क्या है, आप देते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट के 1000 रुपया तुम ले लो, 1000 रुपया तुम ले लो, यूथ प्रोग्राम तुम 1000 रुपया ले लो, ऊपर हमारे हुक्मरान भी भीखे मांग रहे हैं, अब आवाम को भी भिखारी बना रहे हैं ये लोग. कोई इनकी पॉलिसीज नहीं है. आप ये देखें कि ना कोई फार्मर के लिए पॉलिसी आई है, आपके पास सर्टिफाइड सीड ही नहीं है पूरे मुल्क में. आप पता करें आपके पूरे मुल्क में सिर्फ 22% सर्टिफाइड सीड है, आपकी ग्रोथ कैसे होगी अगर आप सिर्फ 54% अपनी ग्रोथ को इम्प्रोवाइज कर लेते हैं. और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 250% है इंडिया की जिसकी इन्होंने एग्जांपल दी है, वो 250% उन्होंने पिछले 3 सालों में ग्रो किया है. 54% इंक्रीज करके सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट जो है वो $6.2 बिलियन इंक्रीज करती है. दे हैव नो मास्टर प्लान. आप फौजिया आपको ये पूछें पूरे मुल्क में गंदम लगती कितने इलाके में, इनको नहीं पता होगा. पूरे मुल्क में चीनी कितने इलाके में कास्ट होती है, इनको नहीं पता होगा. इनको पूछे तुम नहरी अबियाना कितना लेते हो, इनको नहीं पता होगा. इनको पूछे तुम बारानी अबियाना कितना लेते हो, इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ अपनी बारियां लगाने आए हुए. Thank you very much to Mubashir Luqman, and in his usual style, उन्होंने बहुत सी बंद करें आप अंदर, इनके खिलाफ एक्शन लें, इनको पोस्ट से हटाएं. क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूटी होता है कि वही लोग जो शुगर मिल्स को ओन करते हैं वही ईसीसी की मीटिंग्स में बैठते हैं और कैबिनेट डिसीजंस लेते हैं. बात यह है मार्केट में जो सप्लाई एंड डिमांड है उसकी बुनियाद पर प्राइसेस का तयन होता है. बात यह है कि इस तो जब ये लोग सप्लाई रोक के बैठे हुए हैं तो इन पे एक्शन लीजिए. होल्ड ऑन. देखिए, आप या तो प्राइसेस रियलिस्टिक हो, यहां पर प्राइसेस रियलिस्टिक नहीं है. मसलन आप मुझे बताइए, जो इंटरनेशनल, हमने तो अपनी तमाम कमोडिटीज को लिंकअप कर दिया विद द इंटरनेशनल कमोडिटीज, ना इंटरनेशनल मार्केट से हमने उसको लिंकअप कर दिया. जब शुगर की इंटरनेशनल प्राइस $625 है पर टन, तो अगर आप इसको पर केजी रुपए में तब्दील करते हैं तो 51 रुपए 85 पैसे बनते हैं. तो आप 40 रुपए में कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो अपने है ना चीनी को बेचेगा, वो इंतजार करेगा कि इनका स्टॉक निकल जाओ मैं इंटरनेशनल मार्केट में भेज दूं. या तो आप है ना रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, लेकिन अगर रियलिटी में और जो आप चाह रहे हैं उसमें फर्क है तो फिर तो यही सब कुछ होगा. बात रही कि इन लोगों को नैप क्यों नहीं किया जाता है, मैं समझती हूं हुकूमत क्राइसिस में इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सॉरी झूठ बोल रही है. 625 रुपए पे इन्होंने लोकल फार्मर से गंदम खरीदी है और 1500 रुपए की बार से लेके आए. लोकल फार्मर को क्यों नहीं देते फिर 1500? अब आके सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने, देखिए इनकी पॉलिसीज क्या है कि पंजाब में ये इनकी हुकूमत, इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं, ये को अलग नहीं है इनसे, वो एडवर्टाइज कर रहे हैं 2 रुपए की रोटी.
बाकी सूबों में 8 रुपए की रोटी मिल रही है, हर सूबे को ये बता रहे हैं पंजाब जो है खा गया, तुम्हारा रोटी खा गया, तुम्हारा आटा खा गया। व्हाट प्राइस कंट्रोल? प्राइस कंट्रोल मेरी फूफी ने आके करना है कि इन्होंने करना है? यहाँ पे झंडे किसने लगाए हुए हैं? आप ये देखें नहीं, एक मिनट, पॉलिसीज की बात हो रही थी, मैं इनकी इनएफिशिएंसी और इनकी करप्शन की आपको बात बताऊं कि पिछले साल पूरे मीडिया ने पाकिस्तान के, क्योंकि मीडिया के ऊपर ब्लेम आ रहा है ना कि हम लोग खामखा में बोलते रहते हैं, पूरे मीडिया ने पॉइंट आउट किया कि जी सितंबर 30 को इंडिया ने चुनाव का पानी रोक लिया। 2 महीने तक हम सुनते रहे कि जरदारी साहब खत लिखेंगे जी मनमोहन को, जरदारी साहब को वो डाकिया नहीं मिला जिसने खत पोस्ट करना था जाके जरदारी, और दो महीने आपका क्रिटिकल पानी जो है, 2 महीने आपका क्रिटिकल पानी जो है वो खत्म रहा, आपकी खरीफ की फसल उड़ गई। उसके बाद उन्होंने गन्ने की फसल के लिए रिलीज करा दिया क्योंकि अपनी शुगर मिले इन्वॉल्व थी और गरीब का खून था उसमें। अच्छा, आपके रोल पे आते हैं मुबशिर साहब, बिकॉज मीडिया जो है, मीडिया ने बहुत ये नेगेटिव रोल कुछ लोग जो है बजाय ये कि जैसे इन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों में होता है अगर कोई क्राइसिस होता है तो मीडिया पब्लिक को इंकरेज करती है कि हुकूमत के साथ ताउन करें, आपने तो नहीं किया, आपने तो और लोगों को वरगलाया, लोगों को मायूस किया, पैनिक फैलाई। व्हाट अबाउट योर, आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप मुझे, मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड ओवर हियर एंड आई वुड लाइक टू टेक नेम्स, इस मुल्क के कौन से चैनल ने या कौन से अखबार ने पैनिक फैलाया फार एज फूड कमोडिटीज आर कंसर्न? बात यह कि लोग फाकों से मर रहे हैं, इट्स वेरी इजी फॉर यू एंड मी टू सिट ओवर हियर एंड रैशनलाइज कि देखें पढ़ी लिखी वाली बातें करें, पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर। आपके हालत ये हो गई आपके मुल्क की कि पंजाब, पंजाब का मतलब क्या है? 5 दरिया वाला। एंड आप, यू हैव टू टेक, ये कहां है बोतल? मैं, आई वॉन्ट यू टू सी इट। हर आदमी पंजाब में पानी की बोतल लेके पीता है, आपके पास फ्रेश वाटर नहीं है, 2.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है पंजाब में, आपने फसलों को कहां से देना? ये हमें कह रहे हैं रैशनलाइज करें हम, पीपल आर डाइंग, यू वॉन्ट अस टू बी रैशनल? ऑलराइट, थैंक यू। वेल, वजीर आजम हाउस में आपको 3-course डिनर सर्व किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 1 dish तय हुई है पूरे मुल्क में वही की वही होती है, एक सालन की डिश होती है, एक चावल की डिश होती है और रोटी होती है। अच्छा, इसके अलावा चौथी कोई चीज नहीं होती है। ये झूठ है क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और प्रेसिडेंट के साथ भी, प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस में खाना खा चुका हूँ एंड इट वॉज अ 7-course मील, दैट इज अ लाई। I mean, मैं खुद खा चुका हूँ, यू आर एब्सोल्यूट, मैं खुद खा चुका हूँ और मैं आपको यहाँ पे सारे मीडिया के लोग आऊंगा जो वाउच करेंगे जो वहाँ पे थे। कोई कोर्सेस डिनर नहीं होते, बिल्कुल नहीं ऐसे होता है। और जितनी ऑस्टेरिटी हमारी हुकूमत कर रही है, इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने इतनी ऑस्टेरिटी नहीं दिखाई। 970 बंदे आपके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साथ चलते हैं, 3-3 घंटे की आप ट्रैफिक रोक देते हैं, ये ऑस्टेरिटी ड्राइव पे है, ये ऑस्टेरिटी ड्राइव पे आप देखिए, आप पिछले बाजों से काम नहीं बनेगा। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा कीनो प्रोड्यूस कर रहा है, कीनू जो आप खाते हैं सिट्रस फ्रूट। मैं आपको चैलेंज से बता रहा हूँ, हकीकी तौर पर बता रहा हूँ कि 3 साल के बाद पाकिस्तान में 1 कीनू नहीं होगा, बिकॉज आप R&D आप क्या है ही नहीं, आप लोग सारा जो है सीड, आप लोग इन्फेक्टेड सीड आपने इम्पोर्ट किया है और गवर्नमेंट के जो R&D के बजट्स हैं महरीन, वो 90% नॉट 10% 90% जो है वो नॉन डेवलपमेंट फंड पे जा रहा है, इनकी सैलरीज वगैरह पे, दे नीड टू लुक इन टू दैट। थैंक यू वेरी मच इंडीड, लेट्स वोट नाउ। Congratulations to the red team, इन्होंने was a very strong team और red team ने ये debate जीती है, इन्होंने अपने votes में तकरीबन 20-25% का इजाफा किया है। Commiserations to the green team, very well fought. Let's have a round of applause.